लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव, रिजर्वेशन करवाने से पहले जाने ये नियम नई दिल्ली। अगर आप भारतीय रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए ये खबर खास है। रेलवे ने टिकट बुकिंग सर्विस को सुविधाजनक बनाने के लिए समय समय पर उसमें बदलाव किए हैं। रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम को दलालों और एजेंटों से दूर रखने के लिए रेलवे ने ई टिकट बुकिंग सर्विस शुरू की, लेकिन रेलवे में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। दलालों और एजेंटों ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग में भी सेंधमारी की। हालत ये है कि लोगों के लिए रेलवे की टिकट पाना युद्ध जीतने जैसा है। एजेंट मोटी रकम लेकर आपको आसानी से टिकट दे देते हैं, जबकि लोगों की तत्काल कंफर्म टिकट पाने की कोशिश नाकाम हो जाती है। ऐसे में रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग में कई बार बदलाव किया है। रेलवे का मकसद न केवल दलालों और एजेंटों पर लगाम लगाना है, बल्कि रेलवे स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर भीड़ को कम करना है। हाल ही में रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग में कई बदलाव किए हैं। ऐसे में टिकट लेने से पहले आपका इन नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्या है तत्काल टिकट बुकिंग के नियम? अब आप तत्काल टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि रेलवे ने इसके नियम में कुछ बदलाव किए हैं। जैसे अब स्लीपर क्लास के तत्काल टिकट की बुकिंग 11 बजे से शुरू होती है, जबकि एसी क्लास की टिकटों की बुकिंग 10 बजे से होती है। अब तत्काल टिकटों की बुकिंग 24 घंटे पहले होती है। एजेंटों पर लगाम। रेलवे ने तत्काल टिकटों को दलालों और एजेंटों से दूर रखने के लिए और लोगों को अधिक से अधिक तत्काल टिकट उपलब्ध करवाने के लिए तत्काल टिकटों की बुकिंग शुरू होने के आधे घंटे तक अधिकृत एजेंटों के तत्काल टिकटों की बुकिंग पर रोक लगा रखी है। इतना ही नहीं, एजेंटों को तत्काल टिकट से दूर रखने के लिए सिंगल यूजर आईडी से एक दिन में सिर्फ 2 तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा है। एक आईपी से केवल 2 तत्काल टिकट। इतना ही नहीं, रेलवे ने एजेंटों पर रोक लगाने के लिए एक आईपी एड्रेस से भी अधिकतम 2 तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा दी है। रेलवे ने रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और बुकिंग पेजों पर कैप्चा कोड की शुरुआत की है, जिससे किसी भी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के सभी पेमेंट ऑप्शंस के लिए ओटीपी को अनिवार्य किया गया है। तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर मिलेगा पूरा पैसा। इतना ही नहीं, रेलवे ने नए नियमों के तहत कुछ शर्तों के साथ तत्काल टिकट के कैंसिलेशन पर पूरा पैसा रिफंड करने का विकल्प दिया है। अगर आपकी ट्रेन के शुरुआती स्टेशन पर 2 घंटे ये ज्यादा लेट हो जाती है, या फिर आपकी ट्रेन का रूट बदल दिया जाता है, या फिर बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं जाती है, या बुक टिकट वाली श्रेणी में यात्रा की सुविधा नहीं मिलने पर आपको तत्काल टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा।